हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th की ज्योग्राफी का, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। और हम करने वाले हैं उसके MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हमको पता ही है अब हमारे एग्जाम में MCQ की भरमार आती है। और MCQ में देखो, फुल मार्क्स स्कोर करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है, ठीक है। आपके जो जो चैप्टर आ रहे हैं ना, उन सब के 100 से ज़्यादा MCQ कर लो, मतलब पर्टिकुलर चैप्टर के 100 से ज़्यादा MCQ कर लो। हो ही नहीं सकता कि उस चैप्टर के अंदर से कोई MCQ आए और आप ना कर पाओ। बस एक छोटी सी कंडीशन है, ठीक है, वो जो क्वेश्चन होने चाहिए वो हर टाइप के होने चाहिए। मतलब नॉर्मल MCQ तो हम कर लेते हैं, बट जब अजर्शन और रीज़न वाले आते हैं, देखो बहुत सारे बच्चों को तो शायद ये भी ना पता हो अजर्शन और रीज़न क्या होते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, जब उसका MCQ आएगा तो फिर गलती होगा, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस किया ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें अजर्शन और रीज़न, केस स्टडी वाले, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। और बुक की एक एक लाइन से, बिल्कुल एक एक लाइन से मैंने MCQ बनाया है। इससे बाहर हो ही नहीं सकता कि आपका कोई MCQ आ जाए, ठीक है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, देखो अजर्शन और रीज़न और केस स्टडी वाले क्वेश्चन, जिससे थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए कि हाँ जी सब कुछ चाहिए। देखो ये सारे के सारे अजर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन हैं, ओके। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा एक दूसरा भी चैनल है, मेन पॉइंट टैग करके, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर हम अर्न कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें पेरेंट्स से पैसे मांगना सैम्पल पेपर के लिए अच्छा नहीं लगता, इस चीज़ के लिए बुक्स के लिए पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता, है ना। तो मैंने बेसिकली उन्हीं बच्चों के लिए चैनल बनाया। मतलब आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पेरेंट्स से पैसे मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट बेसिकली इस चैनल पर है ना, मैं हर एक प्लेटफॉर्म, सिर्फ यूट्यूब नहीं, यूट्यूब के अलावा बहुत सारी, मैंने अभी तक, मैं बता दूं, मैंने यूट्यूब की सिर्फ एक ही वीडियो डाली है, बाकी अलग अलग प्लेटफॉर्म के बारे में बताया मैंने, ठीक है, जिससे आप अर्न कर सकते हो। और यहाँ पर कोई भी वीडियो आपको एक दो मिनट की नहीं मिलेगी, आपको 25-30 मिनट से कम की वीडियो मिलेगी नहीं। क्योंकि मेरे को पता है जो बच्चे हैं उनको मतलब टेक्नोलॉजी का ABCD भी नहीं पता, तो मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ और बिल्कुल प्रो लेवल तक लेकर जाता हूँ, सारी की सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने कौन कौन सी वीडियो बनाई है, जैसे कि हाउ आई अर्न 9000 रुपीज़ इन 1 आवर फ्रॉम जोमेटो IPO, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपका जोमेटो से कुछ लेना देना होगा, आप डिलीवरी करते हो, ये करते हो। मैं बता दूँ, मेरा जोमेटो से कुछ लेना देना नहीं, मेरे फ़ोन में जोमेटो की ऐप तक नहीं है, मैंने आज तक जोमेटो से कुछ ऑर्डर नहीं किया, फिर भी मैंने जोमेटो से 9000 रुपीज़ कमाए 1 घंटे में, ठीक है। कैसे कमाए वो आपको पता चल जाएगा, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। और साथ में मोबाइल से एनिमेशन वीडियो कैसे बनाए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम यूट्यूब करना चाहते हैं बट फेस शो नहीं करना चाहते, ठीक है, थोड़ा हेजिटेशन होती है हमें ये सारी की सारी चीज़ें। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एनिमेशन वीडियो बनाओ, और बहुत सारे बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं होते, लैपटॉप वगैरह नहीं होता, तो फ़ोन से आप एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो उसके बारे में बताया। मेरी पहली ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है, वो कैसे आई, पहली बात तो वो यूट्यूब से नहीं थी, बहुत सारे बच्चों को लगता है यूट्यूब से थी, वो तो यूट्यूब से नहीं थी, वो जिस भी प्लेटफॉर्म से थी मेरे, उसके बारे में बताया। और आप उससे कैसे अर्न कर सकते हो उसके बारे में बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है हाउ टू क्रिएट फ्री वेबसाइट। देखो आप कुछ आता हो आपको या ना आता हो टेक्नोलॉजी के बारे में, आपको ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि फ्री में वेबसाइट कैसे क्रिएट करें। मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बताया सारी की सारी चीज़ें, ओके। तो ये वीडियो तो बिल्कुल देखना मत भूलना। और साथ में मैंने बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, और मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो और बनाऊँ जिसमें मैं आपको ये बताऊँ कि हाउ टू अर्न फ्रॉम योर नोट्स। बिल्कुल, जो आप नोट्स बनाते हो ना, उससे हम कैसे अर्न कर सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने भी अपने नोट्स से बहुत अर्न किया है, बेचे नहीं है। देखो नोट्स मैंने आज तक कभी किसी को सेल नहीं किए, बेचे नहीं है, कभी भी नोट्स देकर ऐसे नहीं बोला कि मेरे को पैसे दो, ऐसे कभी भी नहीं किया मैंने। बट फिर भी मैंने अपने नोट्स से अर्न किया पैसे। अब वो कैसे किए हैं, तो वो मैं जल्दी ही उस चैनल पे वीडियो डाल दूंगा, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना। नहीं तो बच्चे कमेंट बॉक्स में ऐसे वैसे बोलते हैं कि सर आपने हमको ब्लॉक कर दिया, आपकी नोटिफिकेशन नहीं आती, आप वीडियो डालते हो तो इसलिए नहीं आती क्योंकि आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया। तो नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ठीक है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अब जो वीडियो डालूँ वो 5000 के बाद ही डालूँ, अभी शायद 4700 है ऐसे कुछ सब्सक्राइबर है उस पर, तो 5000 के बाद ही उस पर वीडियो आएगी, ठीक है। तो चलो जी टाइम वेस्ट हो गया बहुत, अब करते हैं शुरू। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंडिया इज़ लाइंग एंटायरली इन दी डैश हेमिस्फेयर। इंडिया जो है वो डैश हेमिस्फेयर में है, कौन से, सदर्न हेमिस्फेयर में, नदर्न हेमिस्फेयर में, हमारे आउटर हेमिस्फेयर में, या नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया जो भारत जो पूरा वर्ल्ड है ना, वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक तो नदर्न हेमिस्फेयर और एक सदर्न हेमिस्फेयर। तो इंडिया जो है वो ऊपर वाले पार्ट में है, नदर्न हेमिस्फेयर में। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो, जस्ट अ सेकेंड, एक एक चीज़ कराऊंगा। ये देखो बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन जा रही है जिसको इक्वेटर कहते हैं, तो हम क्या ऊपर वाले पार्ट पे, तो इसलिए कहा जाता है कि इंडिया जो है वो नदर्न हेमिस्फेयर पे, ठीक है। चलो जी, तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि द डैश डिवाइड द कंट्री ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स, यानी एक लाइन है जो इंडिया को दो बराबर भागों में बांटती है, इक्वल भागों में बांटती है।
तो उस लाइन को क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये मैंने डिग्री भी लिखी है, आपको अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने डिग्री से जाती है ना, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, 23° 30' नॉर्थ, इक्वेटर 0° या नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं, जो पूरे अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच से लाइन जाती है उसको इक्वेटर कहते हैं, ठीक है, जो पूरे अर्थ को दो भागों में बांटती है, बट यहाँ पर इंडिया की बात हो रही है, हमारी कंट्री को दो इक्वल पार्ट में बांटने वाली जो लाइन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। लेट मी जस्ट शो यू समथिंग, एक एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जाती है 23° 30' नॉर्थ से, ओके। अच्छा, नॉर्थ ही क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि हमारा जो अर्थ है, ठीक है, जो हमारा इंडिया है वो नॉर्थ के नॉर्थ हेमिस्फेयर में आता है, ओके, चलो। और इसीलिए आप नोटिस करोगे कि मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में एस लिखा है, साउथ लिखा है, क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे की साइड से जाती है, ओके, चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, अच्छा एक बात, आप इसमें तो कन्फ्यूज़ नहीं हो ना, इसमें भी 23° है, इसमें भी 23° है। देखो बात ऐसी है कि ये 0° है, तो 0° ये इंडिया, यहाँ पर ऊपर की तरफ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, और इस 0° के नीचे की तरफ से, यहाँ से 23° 30' साउथ से, यहाँ से जाती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसलिए दोनों इक्वल है, बट दोनों ऊपर नीचे है नॉर्थ और साउथ में, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द सदर्न लैटिट्यूड ऑफ इंडिया इज, इंडिया का सदर्न लैटिट्यूड क्या है, ठीक है। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? लैटिट्यूड का मतलब होता है जी लेटी वी लाइन, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। तो इंडिया का सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है वो कितने डिग्री का है? 8° 4' नॉर्थ, 37° 6' नॉर्थ, 68° 7' ईस्ट, 97° 25' हमारा ईस्ट। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर, मैं आपको पहले ना एक तरीका बता देता हूं, अगर आपको सदर्न आ जाए, आपको नॉर्थ आ जाए, आपको वेस्ट आ जाए, आपको ईस्ट आ जाए, तो इसको याद करने का तरीका क्या है। मैंने इसके लिए ना बहुत बढ़िया टेक्निक बताई है, ठीक है, और वो टेक्निक क्या है, लेट मी जस्ट शो यू। देखो वो टेक्निक है ये, 37684687975, ये है ना नंबर, याद कर लो आप, ठीक है। क्या याद करना है? 376, आपने रेडियो कभी सुना है तो रेडियो में वो क्या करते हैं कि एक ट्यून बना देते हैं नंबर की, तो आपको वैसे ही करना है, ठीक है, आपके चार नंबर पक्के हो जाएंगे। ये लाइन याद कर लो आप, 37684687975, 37684687975। जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया ना तो बहुत मज़ेदार तरीके से किया था, ठीक है। तो ये देखो 37° 6' यहाँ पर देखो नॉर्थ में क्या लिखा है, 37° 6', ये अपना नॉर्थ हो गया, ठीक है। नीचे की तरफ देखो फिर 84, ये देखो ये आ गया अपना 8° 4' नॉर्थ। अच्छा नॉर्थ नॉर्थ क्यों है पता ही है ना आपको, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और यहाँ पर ये देखो फिर उसके बाद 68 7, यानी 68° 7' अपना ईस्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 97° 25' ईस्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे 37684687975 ऐसे याद करना है आपको, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर हो गया वो आपको। इसको हम थोड़ा लाइन पे ले आते हैं। चलो अभी के लिए तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, बट अब आप लिखकर अच्छे से पता कर लेना कि 37684 में सबसे पहले ऊपर की बात करी थी, फिर नीचे की, फिर हमने वेस्ट की बात करी थी, फिर ईस्ट की बात करी थी। वैसे इसका आंसर है, जब हम साउथ की बात करते हैं तो साउथ का जो लैटिट्यूड है उसका आंसर है जी 8° 4' नॉर्थ, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारा जो वेस्ट वर्ल्ड लॉन्गिट्यूड है, अच्छा यहाँ पर लॉन्गिट्यूड लिखा है, लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है सीधी खड़ी हुई लाइन, ठीक है। तो जो खड़ी हुई लाइन थी जो हमारे इस तरफ थी, यानी मैं दिखाता हूँ किस लाइन की बात हो रही है, तो ये वाली लाइन जो है ना यहाँ पर खड़ी हुई, उसका बताना है। तो आपको दिख ही गया होगा वेस्ट वर्ल्ड में 68° 7' हमारा ईस्ट हो गया, तो इसका आंसर है सी, ठीक है। पता चल गया ना आपको, एक एक चीज़ मैं आपको एक्सपेंड करके बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ -1,000,000 square kilometer। इंडिया का जो वो टोटल एरिया है वो -1,000,000 square kilometer है, कितना? 32.8, 3.28, 328 या 0.328। बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, बट ये डिफ़िकल्ट बन जाएगा अगर देखो ऑप्शन ऐसे हो। तो मैं बता दूँ इसका आंसर है 3.28 million square kilometer, हिंदी में बोले तो 32,80,000 किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर है, आपको पता है 1 million में 10 lakh होते हैं, यूट्यूबर को तो पता ही होगा, तो इसका आंसर है बी, ओके। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द लैटिट्यूडनल एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट, यानी अगर हम ऊपर से नीचे तक की बात करें, वो जो हमने डिग्री की बात करी थी ना, ऊपर से नीचे तक की डिग्री की बात करी थी, और जैसे 3768 फिर है ना ऐसे बात करी थी, तो ऊपर से नीचे और इधर से इधर,
ठीक है, ये जो डिग्री है अप्रोक्सीमेटली उसमें कितना डिफरेंस है, मतलब अप्रोक्सीमेटली, करेक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेटली कितना डिफरेंस है, तो वो है 30 डिग्री। मैं समझाता हूँ क्या है मेरे कहने का मतलब। ये देखो यहाँ लिखा है 37, नीचे वाला 8 था, है ना, तो माइनस करोगे तो ऑलमोस्ट 30 डिग्री आएगा, 68 97 माइनस करोगे तो ऑलमोस्ट 30 डिग्री आएगा, मतलब ऐसा नहीं 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री से कम आएगा, बट पास है 30 डिग्री के, है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री है। ओके, तो इसका आंसर होगा डी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट फॉर डैश परसेंटेज ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड का जितना भी एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया, उसका कितना परसेंट है, 2.4% है। ठीक है जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द नदन लैटिट्यूड ऑफ इंडिया इज, जो ऊपर की साइड का इंडिया का नदन लैटिट्यूड है वो कितना है, वो है जी अपना 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, नदन यानी ऊपर वाली लैटिट्यूड की बात हो रही है, ऊपर वाली लेटी हुई लाइन की बात हो रही है, लेटी हुई है, देखो लेटी हुई लाइन दिख रही है ना यहाँ पर आपको, ये देखो लेटी हुई लाइन दिख रही है, तो यह 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। चलो जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इंडिया इज डैश लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड ऑफ दी वर्ल्ड, मतलब इंडिया जो है वो कौन से नंबर पे है, सिक्स्थ पे है, सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्री है, सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है, हमारी फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है, या नाइन्थ लार्जेस्ट कंट्री है। तो मैं आपको बता दूँ, इंडिया जो है वो सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है, 6 और बड़ी कंट्री है इंडिया से बड़ी। अब इसके लिए भी मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, ठीक है, देखो मैंने सारी की सारी, जैसे मैंने आपको बहुत बोला कि बहुत फ़नी वे में बताया, ए बी कुकर, ठीक है, ए से ऑस्ट्रेलिया, बी से ब्राज़ील, सी से चाइना, यू से यूएसए, सी से कनाडा, आर से रशिया, ये 6 कंट्री है जो इंडिया से बड़ी है, उसके बाद आता है इंडिया, ए बी कुकर। ठीक है, कुकर होता है ना, तो ऐसे याद रख सकते हो, ए बी कुकर, मतलब बहुत फनी वे में। तो उस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का जो लिंक है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड की जो है सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, तो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है रशिया। मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, ये उल्टे से है, मतलब सबसे बड़ी कंट्री रशिया है, उससे पीछे कनाडा है, उसके बाद यूएसए, उसके बाद चाइना, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया आता है। ठीक है, मतलब ए बी कुकर का पीछे से स्टार्ट होगी सबसे बड़ी कंट्री। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इंडिया हैज़ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट डैश किलोमीटर, यानी इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, यानी जो लैंड का रास्ता है, बाउंड्री होती है ना अपनी, लैंड बाउंड्री, वो कितनी है, वो है अप्रॉक्सीमेटली 15,200 किलोमीटर। ठीक है, चलो अब ईस्ट वर्ल्ड लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, तो जो ईस्ट की तरफ लॉन्गिट्यूड है ये तो आपको पता ही है, वही मैंने वो जो ईस्ट वर्ल्ड हमने बात करा था ना 37684, यही, तो उसी से मैं आपको बता दूँ इसका आंसर है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, चलो जी, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन यानी जो पानी का है ना, कोस्ट लाइन का मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो दिख रहा है ना, ये इसे कहते हैं कोस्ट लाइन, जिसका जिसके बाद सिर्फ पानी पानी है। ठीक है, समुद्र तट का इलाका जिसे हम कह सकते हैं, जो कोस्ट लाइन है इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की भी कोस्ट लाइन मिला दे, तो इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है, 16,520 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर, या 14,200। तो इसका आंसर है कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7,516.6 किलोमीटर। ओके, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंडिया इज बाउंडेड बाई द यंग फोल्ड डैश माउंटेन, यानी इंडिया जो है वो ऊपर की तरफ से, मैं बता दूं नॉर्थ वेस्ट की तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो उन पहाड़ को क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट कहते हैं, ईस्टर्न घाट कहते हैं, हिमालयस कहते हैं, नन ऑफ दीज, तो आपको पता है, तो बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर है हिमालयस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाटर बॉडी लोकेटेड इन दी वेस्ट साइड ऑफ दी इंडिया इज नोन एज, यानी इंडिया जो है ना, ठीक है, इंडिया की वेस्ट साइड में जो वाटर बॉडी है, जो पानी है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, हिमालयस कहा जाता है, बे ऑफ बंगाल कहा जाता है, अरेबियन सी कहा जाता है, या इंडियन ओशन कहा जाता है, किसकी बात करी गई है, वेस्ट साइड। तो मैं आपको पिक्चर से ही शो करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, बुक की पिक्चर से शो करता हूँ तो थोड़ा आसान रहेगा। तो ये इंडिया है, इंडिया की वेस्ट साइड में, वेस्ट साइड में क्या है, ये अरेबियन सी। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको अरेबियन सी, तो इसका आंसर है जी अरेबियन सी। ओके, सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है जी के ईस्ट साइड में जो वाटर बॉडी है उसका क्या नाम है, तो ईस्ट साइड में जो हमारी वाटर बॉडी है यहाँ पर ईस्ट साइड में, उसको कहते हैं जी बे ऑफ बंगाल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपेयर टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ नॉर्थ, ये मैंने अपेयर टू बी स्मॉलर, ये मेरे को स्मॉलर छुपाना चाहिए था। ठीक है, मैंने इसको
छुपाना भूल गया, बट आप समझ गए ना। इसमें ये बता रखा है कि अगर हम बात करें हमारे ईस्ट वेस्ट का, ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट जो है यानी ये ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट जो है वो आप देखोगे थोड़ा सा स्मॉलर है नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ से साउथ वाला जो एरिया है आप देखोगे किलोमीटर कितना ज़्यादा है, 3,214 किलोमीटर, और ये सिर्फ 2,933 किलोमीटर है। तो हमारा जो नॉर्थ टू साउथ है वो बड़ा है, यानी ईस्ट टू वेस्ट स्मॉलर है देन नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, समझ आ गया आपको, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन होती है जो इंडिया को ईस्ट वेस्ट में बांटती है बराबर बराबर, ठीक है, और वो जाती है 82° 30' ईस्ट से, ठीक है। तो वो जो है वो एक स्टेट से जाती है, मतलब एक एरिया से जाती है, ठीक है, इंडिया के एक एरिया से जाती है, और उसी एरिया से इंडिया का, पूरे इंडिया का टाइम तय होता है। तो वो कौन सी जगह है, दिल्ली, उड़ीसा, मिर्ज़ापुर या नन ऑफ या ऑल ऑफ़ दी अबव। तो मैं बता दूँ, इंडिया का जो टाइम है वो तय होता है मिर्ज़ापुर से, मिर्ज़ापुर यूपी के अंदर है, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन मिर्ज़ापुर से पास होते हुए जाती है, तो इसलिए ही मिर्ज़ापुर से टाइम तय होता है, यानी मिर्ज़ापुर में जितना टाइम हो रहा है ना होल इंडिया का ही उतना टाइम हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सूज़ कैनाल है, ठीक है, वो जो है वो कब स्टार्ट किया गया था, यानी कब ओपन किया गया था। सूज़ कैनाल एक रास्ता है बेसिकली जो एशिया को बेसिकली यूरोप से जोड़ता है। सूज कैनाल बनने के बाद 7,000 किलोमीटर का रास्ता जो है वो हमें कम तय करना पड़ता था। तो इसका आंसर है जी 1869। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूज कैनाल जो है वो 1869 में बना था। ओके, चलो, ओपन हुआ था, बना नहीं था, ओपन हुआ था, मतलब ओपन हुआ था 1869 में, याद रखना, ओपन वर्ड आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडियन ओशन, यानी विच स्टेट, विच कंट्री आएगा, मतलब जितनी भी कंट्रियां हैं आपको पता है हमारे इंडियन ओशन के पास जितनी भी कंट्री है, जैसे बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान, म्यांमार, ठीक है, और इंडिया, इनमें से सबसे बड़ी कोस्ट लाइन, मतलब सबसे बड़ा, जो मैंने आपको बताया था ना कोस्ट लाइन क्या होता है, ये इसे कहते हैं कोस्ट लाइन, ये पूरी की पूरी कोस्ट लाइन है। तो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन कौन सी कंट्री की है, तो वो इंडिया की है। मैं बता दूँ इंडियन ओशन में सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो इंडिया की है, वर्ल्ड की बात नहीं कही गई है यहाँ पर, इंडियन ओशन की बात की गई है, तो इंडियन ओशन में तो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन इंडिया की है, याद रखना ये बात, ठीक है। चलो, समझ आ गया ना, मैं अब देखो दोबारा से समझा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता, ये हमारा इंडियन ओशन है यहाँ पर, ठीक है। आप देखोगे कि ये पाकिस्तान की इतनी छोटी सी है, ओके, ये म्यांमार की भी इतनी छोटी सी है, बांग्लादेश की इतनी छोटी सी है, बट इंडिया की कोस्ट लाइन ये देखो इतनी लंबी सी है, तो इसलिए बोला जाता है कि इंडिया की कोस्ट लाइन इंडियन ओशन में सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज़ अ टाइम लैप्स ऑफ कितने घंटे का, 2 घंटे का, 120 मिनट का, 60 मिनट का, या आंसर है आपका ए एंड बी। देखो इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश मतलब में पहले सूरज उदय होता है और उस सूरज की रोशनी को गुजरात तक पहुंचने में यानी गुजरात तक आने में उसको 2 घंटे लगते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम में 2 घंटे का अंतर है। ऑल दो हमारे पूरे इंडिया का टाइम मिर्ज़ापुर से तय होता है, ठीक है, बट अगर हम स्टेट वाइज बात करें, मतलब अगर हम ये देखें कि सूरज की किरणों की वाइज बात करें, तो गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा टू आर, ठीक है, बट मैं बता दूँ ये देखो बी में क्या लिखा है, 120 मिनट्स, 120 मिनट भी तो 2 घंटे होता है। तो अच्छे से देखो, खुले दिमाग से, अगर आपने इसका आंसर ए बताया ना तो दोस्त बहुत घबराने वाली बात है, ये अच्छे से सारे के सारे आपको ऑप्शन पढ़ने हैं और उसको अच्छे से जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, ए एंड बी बोथ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो पास करती है इंडिया से, मतलब कितने डिग्री से जाती है। तो अब देखो सब में देखो यही लिखा है 82° 30' 82° 30' 82° 30' सब में यही लिखा है, बट मेन चीज़ पता है क्या है, मेन चीज़ ये है कि याद रखना जब हम स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करते हैं ना, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो खड़ी हुई लाइनें होती है, स्टैंडर्ड मेरिडियन खड़ी हुई लाइन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है आपको दिख रही है खड़ी हुई लाइन है, तो ये लॉन्गिट्यूड है। और याद रखना जब भी इंडिया के लॉन्गिट्यूड की बात करी जाए ना, तो आगे ईस्ट ही आएगा। ईस्ट क्यों आएगा मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको। देखो ये एक लाइन दिख रही है ना, ये बांटती है वेस्ट में और ईस्ट में, ठीक है, वेस्ट में, वेस्ट ये है इस वाली तरफ और ये है ईस्ट। इंडिया कहाँ पर है, इंडिया है जी नॉर्थ वाले हेमिस्फीयर में यानी ऊपर वाले हेमिस्फीयर में और ईस्ट वाले एरिया में। तो इसलिए जब खड़ी हुई लाइनों की बात होती है तो ईस्ट आता है और जब लेटी हुई लाइनों की बात आती है तो नॉर्थ आता है,
ठीक है, आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। तो यानी जब लेटिट्यूड की बात करते हैं तो आपने देखा होगा मैंने 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ कहा था, ठीक है। तो जो क्योंकि ये लेटी हुई लाइन है ऊपर की, ठीक है, बट जब हम खड़ी हुई लाइनों की बात करते हैं जैसे कि हम स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करते हैं तो वहाँ पर ईस्ट आएगा, तो इसलिए याद रखना स्टैंडर्ड मेरिडियन में ईस्ट आएगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है जी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इंडिया की जो टोटल लेंथ है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वो कितने किलोमीटर है। मैंने आपको इनडायरेक्टली बताया भी दिया था जब हमने करा था, तो इंडिया की जो टोटल लेंथ है वो है 3214 किलोमीटर। ओके, दिखाऊं, शो कर देता हूं, इसके बाद मैं शो नहीं करूंगा, फिर मैं आपको करवाता जाऊंगा, दे देखो ऊपर से लेकर नीचे तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया की मतलब चौड़ाई कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ आएगा ईस्ट टू वेस्ट जो इंडिया की लेंथ है वो 2933 किलोमीटर है, आप वेरीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द कंट्री हु इन्वेंटेड आपका डेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम जो है वो किस कंट्री ने इन्वेंट किया था, इंडिया ने, पाकिस्तान ने, जापान ने, अमेरिका ने। तो मैं आपको बता दूँ आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है कि जो डेसिमल सिस्टम है वो इंडिया ने इन्वेंट किया है, तो इसका आंसर है जी इंडिया। ओके, बी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं द नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है, इन इंडिया, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितनी है इंडिया के अंदर। याद रखना मैंने 2021 लिखा है क्योंकि 2021 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं इंडिया में अभी 28 स्टेट्स हैं। कुछ टाइम बाद शायद ये चेंज हो सकती है, क्या पता जम्मू कश्मीर में से जो लद्दाख है उसको एक स्टेटहुड का दर्जा मिल जाए, जम्मू कश्मीर को ही पूरा स्टेटहुड का दर्जा मिल जाए, अभी तो वो एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट जो है इंडिया के अंदर 2021 के अकॉर्डिंग 28 स्टेट है, आप चेक करते रहना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है। देखो एक तो स्टेट होती है, जैसे कि वेस्ट बंगाल एक स्टेट है, पंजाब एक स्टेट है, हरियाणा एक स्टेट है, वहाँ पर है ना सब कुछ सीएम के बोलने पे, चीफ मिनिस्टर के बोलने पे चलता है, मुख्यमंत्री के बोलने पे चलता है। बट जो यूनियन टेरिटरीज होती है ना, जैसे दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर सीएम की कम और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी होम मिनिस्ट्री की थोड़ी सी ज़्यादा चलती है, ठीक है। तो इस टाइम इंडिया की अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वो है टोटल 8। एक बात और बता दूं मैं आपको, पहले क्या होता था दमन द्वीप और दादर एंड नागर हवेली, ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी होती थी, बट अब ये दोनों मिल चुकी है, ठीक है। दमन द्वीप और दादर एंड नागर हवेली को एक यूनियन टेरिटरी माना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज लोकेटेड इन द वेस्टर्न कोस्ट इन इंडिया, मतलब जो वेस्टर्न कोस्ट होता है, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो वेस्टर्न कोस्ट पे हमारी कौन सी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं वेस्टर्न कोस्ट पे हमारी एक दमन द्वीप है और दादर एंड नागर हवेली है, ये जो हमारी यूनियन टेरिटरी है ये वेस्टर्न कोस्ट की साइड आती है। वेस्टर्न कोस्ट का मतलब क्या होता है, वेस्ट की साइड में जो हमारी कोस्ट लाइन है ना, वो समुद्र के पास लगने वाला एरिया, लेट मी जस्ट शो यू। तो यहाँ पर दादर एंड नागर हवेली, यहाँ पर दमन द्वीप, तो ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ईस्टर्न कोस्ट के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्ट पे मैं बता दूं कि हमारी जो यूनियन टेरिटरी है दैट इज़ पुडुचेरी, पुडुचेरी जो है हमारी ईस्टर्न कोस्ट पे लगती है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड यूनियन टेरिटरी, जो हमारी आइलैंड यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, वो कौन सी लगती है वेस्टर्न कोस्ट के पास, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट के पास कौन सी हमारी आइलैंड यूनियन टेरिटरी है, तो मैं आपको बता दूं वेस्टर्न कोस्ट के पास है ना हमारी जो यूनियन टेरिटरी है, जो आइलैंड यूनियन टेरिटरी है वो है जी कौन सी, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे आप, सॉरी लक्षद्वीप, यहाँ पर वेस्टर्न की बात करी गई है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये वेस्टर्न है, वेस्टर्न कोस्टल है, और आइलैंड क्या है, ये है लक्षद्वीप आइलैंड है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर है लक्षद्वीप, जो हमारा लक्षद्वीप है वो हमारा किस में है, वेस्टर्न कोस्टल के आसपास है, वेस्टर्न कोस्टल के नियर है, और ये आइलैंड यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ईस्टर्न कोस्टल के पास आएगा, तो ईस्टर्न कोस्टल पे हमारी जो ईस्टर्न कोस्टल के पास जो हमारी आइलैंड यूनियन टेरिटरी है वो है जी कौन सी, अंडमान निकोबार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यही है आपका कि हमारी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के पास जो है वो नियर जो है वो कौन सी आइलैंड हमारी यूनियन टेरिटरी है, तो वो है जी अंडमान एंड निकोबार। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बाउंड्री और लाई ऑन द कोस्ट इन इंडिया। ऐसा कौन सा हमारा स्टेट है इनमें से, ऐसा कौन सा हमारा स्टेट है जो इंटरनेशनल बाउंड्री से नहीं मिलता, यानी उसके पार करने के बाद कोई दूसरी कंट्री नहीं आती, ऐसा कौन सा स्टेट है, तो इसका आंसर है हरियाणा। मैं आपको समझाता हूँ मेरे कहने का मतलब क्या है,
ये देखो हरियाणा कहाँ पर है, यहाँ पर है। हरियाणा के आसपास देखो हमारी बाकी स्टेट है, बट अगर राजस्थान के तरफ जो राजस्थान ऑप्शन था देखो पाकिस्तान पड़ता है, पंजाब की साइड भी पाकिस्तान पड़ता है ना। और दिल्ली की बात करें, अब बोलोगे दिल्ली सर दिल्ली तो बीच में है ना, तो ये भी तो हमारी एक ऐसी एरिया हुआ जो कि मतलब दूसरे स्टेट से मिलता है, इंटरनेशनल बाउंड्री से नहीं मिलता, ये बात सही है। बट यहाँ पर मैंने स्टेट बोला था, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, आई होप ये बात आपको पता हो। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, जो मैंने 8 यूनियन टेरिटरी बताई थी ना, अभी हम देखेंगे कि वो 8 कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है, मैंने उसका भी नाम बहुत मज़ेदार तरीके से बताया था, ठीक है। चलो दिल दे दो आप जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये एक शॉर्ट टेक्निक थी उसको याद करने के लिए, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ बहुत मज़ेदार तरीके से चैप्टर समझाया है, 20-25 मिनट में समझाया, तो वो वीडियो जाकर ज़रूर देखना, मज़ा आएगा आपको। ओके चलो, तो इसका आंसर तो आपका हरियाणा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है, तो ये बात तो आपको पता ही है। इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया की जो लार्जेस्ट स्टेट है वो है राजस्थान, और अगर पॉपुलेशन की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे यूपी में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया की जो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है वो कौन सी है, तो इंडिया की जो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है दैट इज गोवा, सबसे छोटी स्टेट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान, इसमें से ऐसी कौन सी स्टेट है जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर मतलब उसका शेयर नहीं करती। गुजरात करता है, मैं आपको दिखाऊंगा, पंजाब भी करता है, राजस्थान भी करता है, बट वेस्ट बंगाल नहीं करता। वेस्ट बंगाल तो बिल्कुल बांग्लादेश की साइड पे है, वो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। देखो राजस्थान ये रहा पाकिस्तान, पंजाब ये रहा पाकिस्तान, और ये रहा गुजरात ये रहा पाकिस्तान, बट वेस्ट बंगाल हमारा यहाँ है, वो बांग्लादेश के साथ करता है। ओके तो इसका आंसर हो गया वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, इंडिया में सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन कौन से स्टेट की है, तो मैं आपको बता दूं इंडिया में जो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है यानी पानी से जो मिलता हुआ जो एरिया है, सबसे बड़ा एरिया वो है हमारे गुजरात का, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो ये गुजरात की यहाँ से यहाँ थे पूरी की पूरी कोस्ट लाइन जो है वो गुजरात की सबसे बड़ी मानी जाती है। देखने में आपको लगेगा केरल वगैरह, बट मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो हमारे किसकी है, गुजरात की है। कुछ बोल सकते हैं सर आंध्र प्रदेश की है, नहीं आंध्र प्रदेश की छोटी है, गुजरात की बड़ी है, ये ऐसे मुड़ी मुड़ी सी है इसलिए, बट इसको खोलोगे ना तो ये बहुत बड़ी कोस्ट लाइन आती है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियाज सदर्न नेबर, ठीक है, अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ टू आइलैंड कंट्री, यानी इंडिया के नीचे की अगर हम देखें ना सदर्न पार्ट में देखें तो हमें दो आइलैंड कंट्री देखने के लिए मिलती है, कंट्री देखने के लिए मिलती है, आइलैंड कंट्री देखने के लिए मिलती है। एक का नाम श्रीलंका है, दूसरे का क्या नाम है, म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश या इंडोनेशिया, इसका आंसर है मालदीव्स। ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा श्रीलंका और ये देखो ये रहा मालदीव्स, ठीक है ये भी आइलैंड कंट्री है तो इंडिया के नीचे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री डैश इन नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट यानी इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से कौन कौन सी कंट्री जो है वो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार या ए एंड बी, तो मैं आपको बता दूं पाकिस्तान भी करती है और अफगानिस्तान भी करती है नॉर्थ वेस्ट की साइड से। ये देखो ये नॉर्थ वेस्ट, तो एक तो ये अफगानिस्तान करती है और ये पाकिस्तान करती है, तो दो कंट्री करती है, तो इसका आंसर होगा ए एंड बी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री डैश इन दी नॉर्थ, यानी नॉर्थ की बात करें, ठीक है, तो नॉर्थ की साइड से इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कौन कौन सी कंट्री के साथ शेयर होती है, चाइना तिब्बत वाला पार्ट, हमारा नेपाल, भूटान या ऑल ऑफ दीज, तो मैं आपको बता दूं ऑल ऑफ दीज है इसका आंसर। अगर हम ऊपर की साइड देखें तो ये रहा चाइना, ये रहा नेपाल, ये रहा भूटान, तो नॉर्थ की साइड से सारी की सारी कंट्री के साथ ही, इनमें से सारी की सारी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है हमारी इंडिया की जो लाइन है इंटरनेशनल लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री जो डैश इन दी ईस्ट, ईस्ट साइड में हमारी जो बाउंड्री है वो कौन कौन सी कंट्री के साथ शेयर होती है, नेपाल, भूटान, चाइना, नेपाल, पहली बात तो ये दोनों के दोनों जो हैं तो नॉर्थ से करते हैं तो ये नहीं होगा क्योंकि इसमें ईस्ट की बात करी गई है। नन ऑफ दीस, अभी पहले हम सी पढ़ लेते हैं फिर देखेंगे नन ऑफ दीस, म्यांमार और बांग्लादेश, बिल्कुल सही बात है, म्यांमार और बांग्लादेश जो हैं वो ईस्ट साइड में है, ये देखो ये रहा बांग्लादेश और ये रहा म्यांमार, ठीक है, तो आई होप ये म्यांमार को बर्मा भी कहते हैं, ये बात याद रखना, एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है ये भी। ओके तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिफोर 1947 देयर वर टू टाइप ऑफ स्टेट इन इंडिया, द प्रोविंस एंड द डैश,
पहली बात तो बच्चों को लग रहा होगा सर 100% श्योर है सर ये क्वेश्चन तो है ही नहीं बुक में, बट मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो मैंने बोला ना हर एक चीज़ बुक का हर एक पॉइंट हर एक लाइन मैंने कवर करवाई है, तो इसके बाहर आपको कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ इसमें ये लिख रखा है 1947 से पहले ना इंडिया दो पार्ट में बटा हुआ था, एक तो था प्रोविंस जिस पे ब्रिटिश जो थे वो रूल वगैरह करते थे उसको देखते थे, और दूसरा क्या था वो आपको बताना है, ब्रिटिश एम्पायर, प्रिंसली स्टेट, पाकिस्तान या एशियन स्टेट। पहली बात पाकिस्तान तो हो नहीं सकता, पाकिस्तान तो 1947 से पहले था ही नहीं, और ब्रिटिश एम्पायर तो मैंने बता दिया प्रोविंस पे ही ब्रिटिश रूल करता था, इसका आंसर है प्रिंसली स्टेट। तो इंडिया 1947 से पहले दो अलग अलग पार्टों में बटा हुआ था, एक तो था जिस पे ब्रिटिश रूल करता था जिसको हम प्रोविंस बोलते थे, और दूसरा था प्रिंसली स्टेट जिस पे रजवाड़े राजा रानी हमारे रूल करते थे। आपको पता है ना 1947 से पहले राजा थे, उसके बाद भी बहुत सारे राजा वगैरह रहे हैं इंडिया में, तो इसका आंसर है प्रिंसली स्टेट। अब पहले मैं दिखा देता हूँ ये कहाँ पर है, ये देखो ये लिखा हुआ, मैंने कहा मैं एक एक लाइन बुक की कवर करवाने वाला हूँ, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इन विच ओशन गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड। हमारा जो गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ मन्नार क्या है आई होप आपको पता हो, ठीक है। बेसिकली एक रास्ता है जो मतलब उसके हमारे इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। तो अब किस पे है ये, पैसिफिक ओशन पे है, इंडियन ओशन पे है, सदर्न सी पे है या हमारा नॉर्दर्न सी पे है, तो ये बात तो आपको पता ही है, मैंने आपको बता ही दिया कि हमारा गल्फ ऑफ मन्नार जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ता है, यानी हमारे नीचे की साइड साउथ वाली साइड में पड़ता है ना, और हमारे पता ही है हमें कि इंडिया के साउथ वाले पार्ट में कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन है, तो इसका आंसर होगा बी, ओके। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डैश इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द नैरो चैनल ऑफ अ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्टेट और द गल्फ ऑफ मन्नार। मैंने आपको बता ही दिया एक ऐसी कंट्री है जो इंडिया से जो मतलब सेपरेट होती है, एक नैरो बेल्ट है सी के अंदर जिसको हम पाक स्टेट भी बोलते हैं। अच्छा इसको पाक स्टेट भी क्यों बोलते हैं कि एक रॉबर्ट पाक थे उन्हीं के नाम पे इनका नाम पाक स्टेट रखा गया था, यानी जो हमारा गल्फ ऑफ मन्नार है पाक स्टेट भी बोल दिया जाता है इसको, तो याद रखना। तो ये कौन कौन सी कंट्री इंडिया और कौन सी कंट्री श्रीलंका को सेपरेट करता है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रही इंडिया है बड़ा सा इंडिया, ये श्रीलंका, ये जो बीच में दिख रहा है दैट इज़ पाक स्टेट, ठीक है, और इसका नाम रॉबर्ट पाक के नाम पे रखा गया है। आएगा नहीं वैसे तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में बिल्कुल नहीं है, बट मैंने बता दिया क्योंकि कुछ यूपीएससी वगैरह के लिए, ठीक है, कुछ सिविल सर्विसेज के लिए भी कोई देख सकता है, तो उनके लिए बताइए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड, यानी लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में एक ऐसी कंट्री है, तो उस कंट्री का नाम बताना है, श्रीलंका, मालदीव्स हमारा और अंडमान निकोबार या ऑल ऑफ दीज। तो देखो श्रीलंका तो ये जैसे यहाँ पर लक्षद्वीप है तो यहाँ है श्रीलंका, और अंडमान निकोबार तो बिल्कुल बहुत दूर है, मालदीव्स पड़ता है हमारे लक्षद्वीप के नीचे, ये देखो लक्षद्वीप, ये नीचे मालदीव्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया अपना बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से सुनना ये, द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, यानी इंडिया का जो मेनलैंड है ना उसका सबसे साउथ वाला पॉइंट जो है उसको हम क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, जम्मू कश्मीर वो तो बिल्कुल नॉर्थ में है तो ये तो हो ही नहीं सकता, केरला हमारा कन्याकुमारी या इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो मैं बता दूं जब इंडिया के मेनलैंड की बात करी जाए, याद रखना मेनलैंड, जब ये वर्ड यूज़ किया जाए मेनलैंड, तो इसका आंसर होगा कन्याकुमारी। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर है बिल्कुल कन्याकुमारी, मैंने नोट्स में भी बताया था, जस्ट मैं दिखाता हूँ आपको, नोट्स के अंदर मैंने दिखाया था आपको, ये देखो यहाँ पर है ना, मेरे को थोड़ा नीचे ले जाना पड़ेगा तो फिर ये थोड़ा ख़राब हो जाएगा, इससे अच्छा है मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है कन्याकुमारी, ठीक है। तो नोट्स आपको पता ही है, चैप्टर में जाकर देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा और समझ आ गया ना आपको। तो इसका आंसर है कन्याकुमारी जब मेनलैंड की बात करी जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, जब यूनियन की बात करी जाए मतलब यूनियन टेरिटरी में सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो याद रखना इसका आंसर है जी इंदिरा पॉइंट, ठीक है। जो हमारा इंदिरा पॉइंट है वो यहाँ पर है अंडमान निकोबार के, निकोबार आइलैंड के सबसे नीचे वाला पॉइंट जो था वो हमारा इंदिरा पॉइंट था। ऑल दो 2004 में एक सुनामी आई थी, उसके बाद ये इंदिरा पॉइंट जो है वो पानी में डूब चुका है, ठीक है। बट याद रखना जो इंदिरा पॉइंट था वही है इंडिया का साउथ मोस्ट मतलब पॉइंट है इंडियन यूनियन का, ओके याद रहेगा। मेनलैंड की बात करी जाए तो कन्याकुमारी, जब यूनियन की बात करी जाए तो आपको इंदिरा पॉइंट लिखना है, ओके। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू डैश नंबर ऑफ स्टेट। तो जो मैंने आपको बताया था ना, इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन जाती है, ठीक है, तो वो कितने स्टेट्स को पार करती है, 6, 7, 8 या 9। तो मैं आपको बता दूं, वो 7 स्टेट को पार करती है, यानी 7 स्टेट को पास करती हुई जाती है। अब इसके लिए भी मैंने एक टेक्निक बताई थी, गरम चीज़ बदतमीज़, ठीक है, ये भी थोड़ा फनी लग रहा होगा आपको, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने कहाँ लिख रखा है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, गुजरात, हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ये देखो, गरम चीज़ बदतमीज़, ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, ची छत्तीसगढ़, ज झारखंड, ब वेस्ट बंगाल, ठीक है, त से त्रिपुरा और मिज़, ठीक है, गरम चीज़ बदतमीज़, तो मिज़ से मैंने बताया मिज़ोरम। तो ये भी टेक्निक है, इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है, बहुत फ़नी फ़नी टेक्निक बताई है मैंने। तो इसका आंसर होगा क्या, गरम चीज़ बदतमीज़, यानी 7 स्टेट है। अब कौन कौन सी है ये तो आपको नाम पता ही चल चुका है, अगर आपको अभी भी अगर याद हो चुका है, एक बार ट्राई करना हो गरम चीज़ बदतमीज़ लिखकर, और हो जाए तो एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट शेयर लैंड बाउंड्री या लैंड बॉर्डर विद म्यांमार, यानी इनमें से कौन सी स्टेट है जो कि म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। म्यांमार एक कंट्री है जिसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा या मिजोरम। तो इसमें से ऐसा कौन सा स्टेट है जो बॉर्डर शेयर नहीं करता म्यांमार के साथ, तो इसका आंसर है त्रिपुरा। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये रहा म्यांमार, ये रहा मिजोरम करता है, ये रहा नागालैंड करता है, ये रहा मणिपुर ये करता है, ये तीनों के तीनों स्टेट करता है, बट त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ करता है, ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आ रहे हैं और वहाँ पर रह रहे हैं, जिसकी वजह से त्रिपुरा में रहने वाले लोग आज माइनॉरिटी बन गए, जो वहाँ पर इंडिजीनियस पीपल थे, जो वहाँ पर पहले से रहते थे। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी नहीं है इंडिया का, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी या गोवा। तो इसका आंसर है जी गोवा, गोवा है एक स्टेट है, यूनियन टेरिटरी नहीं है। बाकी जितने भी यूनियन टेरिटरी है उसका नाम आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, इसके लिए भी मैंने एक टेक्निक बताई थी, क्या टेक्निक थी वो, चलो दिल दे दो आप जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, है ना। तो चलो मैं बाद में बताऊँगा उस टेक्निक को कैसे एक्सपेंड कर सकते हो आप, ठीक है। अब इसमें आपको ये बताना है कि ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, जो हमारे बिल्कुल इंडिया के बीचों बीच से जाती है, गर्म चीज़ बदतमीज़ वाली वो, है ना, तो वो कौन सी स्टेट से पास नहीं करती, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या त्रिपुरा। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो जो है उड़ीसा से पास नहीं करती, उड़ीसा थोड़ा सा नीचे आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द ईस्ट मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, जो ईस्ट मोस्ट लॉन्गिट्यूड खड़ी हुई लाइन है, तो आपको पता ही है इसका 97°25' जो है वो ईस्ट है। और मैं आपको बता दूं कि ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए रिपीट हुआ है, पहले मैंने बुक किए एक लाइन पढ़ के एमसीक्यू बनाए, फिर मैंने आपके एनसीईआरटी के भी देखे तो उसमें लिखा हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद, यानी ये जितनी भी हमारी इंडिया की स्टेट है वो एक कंट्री है जिससे मिलती है, बॉर्डर शेयर करती है ये सारी की सारी स्टेट। तो स्टेट का नाम आपको बताना है, चाइना, भूटान, नेपाल या म्यांमार। तो इसका आंसर है जी नेपाल, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये नेपाल है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ये देखो वेस्ट बंगाल से भी करती है, और यहाँ पर हमारा सिक्किम से भी बॉर्डर शेयर करती है, तो यानी इसका आंसर होगा नेपाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से सुनना कि इफ़ यू इंटेंडेड टू विजिट कवराटी, ठीक है, आप ये कवराटी कहाँ पर है ये आपको पता चल जाएगा। तो फॉर योर समर वेकेशन, यानी आप कवराटी घूमने जा रहे हो अपनी समर वेकेशन के लिए, सोच रहे हो, ठीक है, व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विल यू विल बी गोइंग टू, मतलब ऐसी इनमें से कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसमें कवराटी पड़ता है। तो मैं बता दूँ, कवराटी जो है वो एक आइलैंड है, बेसिकली लक्षद्वीप आइलैंड के जो ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप में बहुत सारे आइलैंड है, उसमें से एक आइलैंड है कवराटी, ठीक है। तो इसका आंसर है जी लक्षद्वीप, याद रखना ये बात कवराटी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की, अच्छा आपसे निकोबार पूछ लिया जाता तो, कि मान लो आप निकोबार जा रहे हो तो ये तो पता ही, अंडमान निकोबार ये तो आप बता ही सकते हो, है ना, कभी कभी कॉमन सेंस भी यूज़ करना है, फिर आप बोलोगे कि सर निकोबार का तो हमको याद नहीं, तो अंडमान निकोबार नाम लिखा हुआ है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि माई फ्रेंड हेल फ्रॉम द कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, यानी मेरा दोस्त जो है एक ऐसी कंट्री से है जो इंडिया से बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो वो इनमें से
किस कंट्री में, कंट्री से आया, भूटान से, तजाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से। देखो भूटान भी इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, बांग्लादेश भी करता है, नेपाल भी करता है, और हमारा दोस्त कहाँ से आया था जो बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो तजाकिस्तान जो है वो हमारे से बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो उसका आंसर होगा बी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच स्टेट रिसीव द फर्स्ट मॉर्निंग सनलाइट, सबसे पहली किरण इंडिया में कौन सी स्टेट पे पड़ती है, पंजाब, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या राजस्थान। तो जिन बच्चों को पता होगा ठीक है वो तो बता देंगे आंसर, बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आंध्र प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में कंफ्यूज होंगे। देखो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाथ जोड़ के इंडिया के जितने भी स्टेट है ना, सारे के सारे स्टेट कहाँ पर है और उनके नाम आपको याद होने चाहिए सारे के सारे स्टेट के, ठीक है। वैसे मैं बता दूँ, यहाँ है आंध्र प्रदेश हमारा और यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखना। तो सबसे पहली किरण अरुणाचल प्रदेश पे पड़ती है और इसलिए अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में 2 घंटे का अंतर है, यानी 2 घंटे बाद सूरज की रोशनी गुजरात पे पड़ती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द प्लेस सिचुएटेड ऑन दी 3 सी, ऐसा कौन सा स्टेट है प्लेस है जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, 3 साइड से एक सी से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर है जी कन्याकुमारी। मैंने बताया ना इंडिया के सबसे नीचे है वो, है ना, तो कन्याकुमारी के इस तरफ अरेबियन सी, इस तरफ बे ऑफ बंगाल, नीचे की तरफ अपना इंडियन ओशन, तो इसका आंसर होगा कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन अरेबियन सी, ऐसा कौन सा आइलैंड है जो अरेबियन सी में है। तो अरेबियन सी में जो आइलैंड है उसका नाम आपको पता ही है, लक्षद्वीप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लार्जर एरिया देन इंडिया, इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जिसका एरिया इंडिया से बड़ा है, पाकिस्तान, चाइना, रशिया या बी एंड सी। तो मैं आपको बता दूं पाकिस्तान तो हमसे बहुत छोटा है, 8 गुना छोटा है वो हमारे से। चाइना और रशिया तो वही याद करो ए बी कुकर है ना, तो ए बी कुकर में कौन कौन सी कंट्रियाँ थी उसमें, क्या रशिया था, बिल्कुल रशिया था। मैं आपको बता दूं रशिया तो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है, मैंने आपको बताया था इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। और अगर हम बात करें चाइना की तो वो ए बी कुकर के अंदर चाइना भी था, तो इसका आंसर है बी एंड सी, दोनों की दोनों कंट्री चाइना एंड रशिया इंडिया से बड़ी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ दी फॉल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाई ऑन दी साउथ ईस्ट, तो हमारा ऐसा कौन सा आइलैंड है इंडिया का जो साउथ ईस्ट में है, ठीक है। पहले तो साउथ ईस्ट होता क्या है, साउथ नीचे ईस्ट, ये तो कौन सा आइलैंड है साउथ ईस्ट में, देखो दोबारा साउथ ईस्ट, तो ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार। ओके तो इसका आंसर क्या होगा, अंडमान एंड निकोबार। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड कंट्री इज आर सदर्न नेबर, आइलैंड कंट्री लिखा है, ऐसा कौन सा एक कंट्री है जो इंडिया का नेबर है और जो एक आइलैंड कंट्री है जो हमारे साउथ में है, ठीक है। पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या श्रीलंका, तो आपको पता है श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री हमारे साउथ में पड़ता है। अब मान लो अगर आपके मालदीव्स भी लिखा होता तो इसका आंसर मालदीव्स भी हो सकता था, ठीक है, याद रखना। अब आ जाओ जी आपके मेन क्वेश्चन पे, अजर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन पे, बहुत अच्छे से सोच समझ के आंसर देना क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो जिन बच्चों को नहीं पता अजर्शन और रीज़न सॉल्व कैसे करते हैं, होता क्या अजर्शन और रीज़न, मैं आपको बताता हूँ। देखो बात यह है कि अजर्शन में एक लाइन लिखी होती है, रीज़न में एक लाइन लिखी होती है, ठीक है। आपको पहले चेक करना है कि ये दोनों लाइनें सही लिखी हुई या नहीं लिखी हुई। मान लो अगर दोनों लाइनें गलत लिखी हुई है तो इसका आंसर होगा कि बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ये देखो दिखाता हूँ मैं क्या लिखा हुआ है, ए एंड आर आर फॉल्स, ठीक है। अगर दोनों में से मान लो अजर्शन सही है और रीज़न गलत है तो लिखना है कि अजर्शन इज़ करेक्ट बट द रीज़न इज़ रॉन्ग, ठीक है। अगर मान लो अजर्शन गलत है बट रीज़न सही है तो अजर्शन इज़ रॉन्ग बट द रीज़न इज़ करेक्ट, ठीक है। अब आती है सबसे मेन चीज़, मान लो दोनों ही सही है, फिर जब दोनों ही सही होता है ना तो आपको देखना होता है कि दोनों में कोई कनेक्शन है या नहीं है। अगर दोनों में कनेक्शन मिल जाता है तो आपको लिखना है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी अजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन, अगर दोनों में कनेक्शन आ जाता है तो। अगर दोनों में कनेक्शन नहीं बैठता तो फिर आपको सही तो दोनों है बट दोनों में कनेक्शन नहीं है आपस में। मैं समझाऊंगा मेरे कहने का मतलब क्या है, बट इसका आंसर होगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट द रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। अब आ जाओ जी क्वेश्चन पे, देखो अजर्शन क्या लिखा हुआ है कि इंडिया हैज़ लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर, क्या ये बात सही लिखी हुई है, ये बात एकदम करेक्ट लिखी हुई है। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। तो यानी अजर्शन तो हमारा करेक्ट है एकदम। रीजन रीड करते हैं कि द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है,
ठीक है, तो ये भी लाइन सही लिखी हुई है, तो लाइन तो दोनों ही सही लिखी हुई है। अब दोनों में हम कनेक्शन ढूंढते हैं, ठीक है। अब जब आपको कोई दोनों लाइनों में assertion और reason में कनेक्शन ढूंढना होता है ना, तो आप क्या करो, दोनों को एक लाइन में पढ़ दो और बीच में क्योंकि लगा दो, बिकॉज लगा दो। मैं समझाता हूँ कैसे। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर लंबी है, क्योंकि इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन बैठ रहा है? इंडिया का लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर है क्योंकि 3.28 मिलियन किलोमीटर इंडिया का एरिया है। दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर लैंड बाउंड्री की बात करी गई है, यहाँ पर एरिया की बात करी गई है, तो दोनों को आपस में कोई लेना देना नहीं है। दोनों सही तो है, बट दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब, इसका आंसर क्या होगा कि बोथ आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। ठीक है, चलो समझ आएगा, आगे आपको और क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ आएगा। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो मिर्ज़ापुर है इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज ए स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द होल इंडिया, है ना। जो मिर्ज़ापुर है उसी से पूरे इंडिया का टाइम तय होता है। क्या ये लाइन सही लिखी हुई है अजर्शन में? ये लाइन एकदम करेक्ट लिखी हुई है, ठीक है। इंडिया के जो मिर्ज़ापुर है उसी यूपी के अंदर पड़ता है मिर्ज़ापुर, उसी से ही पूरे इंडिया का टाइम तय होता है, ठीक है। रीजन रीड करते हैं। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो कि 82° 30' हमारा ईस्ट से पास होती है, वो मिर्ज़ापुर से भी पास होती है। क्या ये बात सही लिखी हुई है? ये बात एकदम सही लिखी हुई है। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो मिर्ज़ापुर से पास होती है, तो लाइनें तो दोनों सही लिखी हुई है। अब आपको दोनों में कनेक्शन ढूंढना है। अब देखो ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको एक लाइन में पढ़ता हूँ और बीच में क्योंकि लगा दूंगा। मिर्ज़ापुर जो उत्तर प्रदेश में है उसी को पूरे इंडिया का टाइम वहीं से तय होता है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो मिर्ज़ापुर से पास होती है। क्या ये बात कनेक्शन बैठ रहा है? बिल्कुल बैठ रहा है कनेक्शन। देखो मैं समझाता हूँ आपको, मिर्ज़ापुर का जो टाइम है पूरे इंडिया को मिर्ज़ापुर के टाइम से ही करा जाता है कंसीडर। मेरे कहने का मतलब, जो मिर्ज़ापुर में अगर 2 बज रहे हैं तो पूरे इंडिया में 2 बज रहे होंगे। ऐसा क्यों करा गया है? क्योंकि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो मिर्ज़ापुर से जाती है, ठीक है। तो देखो, अगर स्टैंडर्ड मेरिडियन मिर्ज़ापुर से नहीं जाती तो मिर्ज़ापुर को टाइम ना लेते, है ना। बट क्योंकि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो मिर्ज़ापुर से जाती है, इसलिए मिर्ज़ापुर को स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है पूरे होल इंडिया का। यानी ये दोनों सही भी है और दोनों में कनेक्शन भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। समझ आया नहीं आया अजर्शन और रीजन दोस्त? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजर्शन लिखा हुआ है कि इंडिया शेयर्स इस लैंड बाउंड्री विथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट। जो इंडिया है वो अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से नॉर्थ वेस्ट में। क्या ये बात सही है? ये बात सही है। हमने देखा था ऊपर क्वेश्चन में भी देखा था कि इंडिया जो है वो लैंड बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। एकदम करेक्ट है ये। रीजन रीड करते हैं कि जो टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। और जो इंडिया का कोस्ट लाइन है इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप वो 7,516.6 किलोमीटर है। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है, ठीक है। तो लाइनें तो दोनों सही लिखी हुई है कि इंडिया का कोस्ट लाइन भी यही है और इंडिया लैंड बाउंड्री भी इन्हीं कंट्री के साथ शेयर करता है नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से। बट क्या दोनों में कनेक्शन है? दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लाइन बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप देखो, ऊपर लैंड बाउंड्री की बात हो रही है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात हो रही है, नीचे कोस्ट लाइन की बात हो रही है, तो कोस्ट लाइन और लैंड बाउंड्री का आपस में क्या मेल? ठीक है, तो दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ओके, अगर फिर भी आपको अगर लेना देना चेक करना है तो एक लाइन में पढ़ देना। चलो मैं फिर भी आपके लिए पढ़ देता हूँ, आप वीडियो देख ही रहे हो तो कोई चीज़ छुड़वानी नहीं है। इंडिया जो है वो लैंड बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन है वो मेन लैंड इंडिया की और साथ में अंडमान निकोबार की 7,516 किलोमीटर है। कोई सेंस ही नहीं बन रहा बात का। तो सही तो दोनों, बट दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इसका आंसर होगा कि बोथ आर ट्रू बट द रीजन आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। ओके, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि जो सूज कैनाल है वो 1869 में ओपन किया गया था। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है। रीजन की बात करते हैं, यानी अजर्शन तो हमारा सही है, रीजन की बात करते हैं। इट अनेबल्स अ मोर डायरेक्ट रूट फॉर शिपिंग बिटवीन यूरोप एंड एशिया। ये जो सूज कैनाल है वो यूरोप और एशिया के बीच में एक डायरेक्ट रूट बैठाता है, जिससे जो रास्ता है वो कम हो जाता है। क्या ये बात सही है? ये भी बात सही है। अब दोनों में कनेक्शन ढूंढो, ध्यान से सुनना। सूज कैनाल जो है वो 1869 में ओपन किया गया था क्योंकि
जो सूज कैनाल है वो रास्ता कम कर देता है यूरोप और एशिया के बीच में। क्या ये बात सही है? ये बात सही है और कनेक्शन भी बैठा है। देखो सूज कैनाल को इसीलिए ही ओपन करा गया था क्योंकि सूज कैनाल यूरोप और एशिया के बीच में जो बीच में रास्ता है उसको कम करता है, डायरेक्ट रूट देता है। ठीक है, तो दोनों सही भी है और दोनों का आपस में लेना देना भी है। बेसिकली सूज कैनाल को इसलिए ही बनाया गया था क्योंकि ये क्या करता है, रास्ता कम करता है। इसको ओपन इसलिए कम करा गया था क्योंकि ये रास्ता कम करता है बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जी कि बोथ अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। डी होगा इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इंडिया हैज़ दी लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। यानी इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है इन दी वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्या बात सही है? ये बात एकदम गलत है। सबसे बड़ी कंट्री तो रशिया थी, है ना? तो अजर्शन गलत है इस बार हमारा। रीज़न पढ़ते हैं। रीज़न लिखा हुआ है कि इंडिया का जो लैंड मास हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है। इंडिया का जो लैंड मास है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ही है। ठीक है, तो यानी अजर्शन गलत है और रीजन सही है। तो इसका आंसर क्या होगा कि अजर्शन इज फॉल्स या रॉन्ग बट द रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जी बी। ओके चलो जी, तो चलो ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ दूंगा आपको, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे दूसरे भी चैनल है, एक यूनिक वर्ल्ड करके चैनल है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जो भी चैनल मैंने बताया है सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में मेन पॉइंट गेमिंग है, मन करे तो आ जाना कभी खेलने के लिए आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 2-3 वीडियो अपलोड करिए स्टूडेंट वगैरह के साथ भी खेलते हुए, तो आप जा सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेन पॉइंट स्टडी को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर देना। ठीक है, सरप्राइज़ याद है ना आपको, मैं अभी दूंगा आपको वेट। बट मैं बता दूं कि आज आप 9th में हो, बट जो बच्चे 9th एंड 10th में गए ना, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज मैं 77,000 सब्सक्राइबर पे हूँ। ठीक है, तो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी वजह से हूँ, और मेरे को पता है कि आप 9th में आए हो तो आप मेरे को उनसे ज़्यादा सपोर्ट करोगे। ठीक है, मेरे को पूरा विश्वास है। ठीक है, तो ऐसे शेयर करते रहना, फॉलो करते रहना और मतलब सपोर्ट करते रहना। ओके, और एक यूनिक वर्ल्ड और एक हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है, ऑल दो इस पर कभी कुछ अपलोड नहीं किया अभी तक, टाइम ही नहीं मिलता, बट कर दूंगा। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब आपके लिए एक सरप्राइज सुनो आप। ठीक है, देखो मैंने एक वेबसाइट बनाई है आपके लिए, मेन पॉइंट स्टडी। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे MCQ वगैरह, ये आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। नोट्स वगैरह का भी डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, नो GP लिंक नथिंग, डायरेक्ट आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। और मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने बोला मैंने बुक की एक एक चीज़ कवर करवाई है, तो मैंने बुक की एक एक चीज़ कवर करवाई है। मैं आपको बता दूँ हर एक चीज़, बुक की एक एक लाइन यहाँ पर आपको देखो, पहली लाइन से लेकर, जो पहली लाइन लिखी हुई है ना, इंडिया जो है वो नदर्न हेमिस्फेयर में, यहाँ से बिल्कुल हर एक चीज़ मैंने कवर करवाई है बिल्कुल नीचे तक। ठीक है, जो ये इंडिया जो है वो मतलब यहाँ पर मालदीव्स वगैरह के बारे में लिखा है, गल्फ ऑफ मन्न, मतलब एक एक चीज़ कवर करवाई है। ठीक है, तो देखो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर हो सके तो रिकमेंड करना अपने दोस्तों को, बहुत सारे बच्चों को MCQ वगैरह की नीड होगी तो उनको सेंड करना। ठीक है, आप चाहो तो वेबसाइट वगैरह पे जा सकते हो, बट आप अपने दोस्त को वेबसाइट वगैरह के बारे में बताना, ऐसा ना हो कि आप डायरेक्टली MCQ वगैरह सेंड कर रहे हो उनको, है ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, क्योंकि मैं बता दूं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने SST के सारे चैप्टर हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में अपलोड किया, उन सबका लिंक मिल जाएगा। सबके MCQ भी मैं अपलोड कर रहा हूं, उनका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सपोर्ट करते रहोगे। और मैं आपको बता दूं, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है क्लास 9th के बच्चों के लिए। मेन पॉइंट स्टडी आप 9th लिखोगे तो 9th के आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे, वहाँ पर चले जाना, आपको सारी की सारी अपडेट वगैरह मिल जाएगी। और मैं वहाँ पर क्वेश्चन वगैरह भी पूछते रहता हूँ, और मेरा कम्युनिटी टैब भी चेक करते रहना यूट्यूब चैनल का, वहाँ पर भी मैं क्वेश्चन डालते रहता हूँ, MCQ वगैरह डालते रहता हूँ। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट MCQ के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।